अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग इम्यूनोलॉजी कर रहे थे। आई एम सॉरी, चीज़ें इसमें से ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली थी, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। बस अब ना चार पांच ऐसी बातें रह गई जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में मजीद आती, तो उसके लिए मुझे 2 मिनट की वीडियो और बनानी पड़ गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कुछ सीरियस नहीं है हमारे पास, आपके पास पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता होता है कि टेटनेस का शेड्यूल प्रेगनेंट फीमेल का या रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल का टेटनेस का क्या शेड्यूल है। तो वो तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपका रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑस्पी का भी और रिटर्न का भी। TT1 यानी टेटनस टॉक्सॉइड 1 आपने एनी टाइम पे लगवाना है, मतलब जब आपको ख्याल आ जाए, लेकिन हर रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल को लगवाना चाहिए। फिर TT2 जो आपका दूसरा इंजेक्शन है वो आपने 1 मंथ आफ्टर TT1 है। TT3 जो है वो आपका 6 मंथ्स आफ्टर TT2 है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना होता है। जो चौथा इंजेक्शन आपने लगवाना है वो 1 ईयर आफ्टर दिस है, और जो पांचवा है वो 1 ईयर आफ्टर द TT4 है। तो TT से मतलब होता है टेटनस टॉक्सॉइड, और जिस तरह ये बुक में लिखा है पूरा टेबल बना हुआ है, हर बुक में, एक्सेल में भी है, के पार्क में भी है, आप कोई और फॉलो करते हैं उसमें भी होगा, क्योंकि ये इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने पक्का याद रखना है। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता होता है MCQs में या OSPI या वाइवा उसमें SEQ में, कि एक फीमेल आई है, सपोज वो आपके पास 5 मंथ्स प्रेग्नेंट फीमेल है, तो अब आप उसके टेटनस के, और वो कहती है कि उसने टेटनस के इंजेक्शन कभी भी नहीं लगवाया, तो अब आप क्या करेंगे। तो जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि हम 2 इंजेक्शन 1 महीने के अपार्ट से लाजमी दे दें, लेकिन लाजमी एक बात याद रखनी है कि कोई फीमेल अगर जो उसकी डिलीवरी का टाइम है ना, यानी 9 मंथ्स इज द डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी के टाइम से 1 महीना पहले पहले तक आपने कोई इंजेक्शन नहीं देना, यानी आखिरी इंजेक्शन 8 मंथ्स पे दिया जा सकता है, 8 मंथ्स के बाद कोई इंजेक्शन नहीं देना है। MCQ ये भी आया हुआ आपका एक दफ़ा, कि एक फीमेल है जो कि डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले आपके पास आई है और कहती है कि उसके पास कोई, उसने टेटनस की वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो आप क्या करेंगे। तो आप उस फीमेल को छोड़ देंगे, वेट, मतलब आपने उसे कोई इंजेक्शन नहीं देना, लेकिन आप बच्चे की इम्यूनाइजेशन करेंगे जब बच्चा पैदा होगा। इस वक्त आपने जब डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले का मतलब ये होता है कि 8 महीने से ऊपर हो चुका है टाइम, 8.5 महीने हो गए, तो 8.5 में आपने नहीं देना होता। आपके पास जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है वो कहते हैं कि 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई है, तो 6 मंथ्स में आपने कहना है कि हमने 2 इंजेक्शन लगाने, एक हम 7 मंथ्स पे, एक तो 6 पे लगा देंगे और एक 7 पे लगा देंगे, मतलब 1 महीने के अपार्ट से 2 इंजेक्शन हम दे देते होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को। लेकिन जो बात लाजमी जहन में रखनी है वो ये है कि आपकी डिलीवरी से 1 महीना पहले पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं देना, ठीक है। ये टेटनस का शेड्यूल आपने याद रखना है। उसके बाद है टेटनस का जो आपका क्वेश्चन अगला आता होता है कि एक बंदा है जिसको, नॉर्मल बंदा जिसे चोट लग गई है, तो टेटनस का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस क्या होगा, मतलब हमें उस वक्त क्या करना है, क्योंकि जाहिर है उसके काफी सवेर किस्म के जख्म आए, एक्सीडेंट हुआ है। नॉर्मली सिनेरियो इस तरह बनाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, बाइक से फलाना फलाना फलाना, आपके पास इमरजेंसी में लैंड किया, टेटनस का बताएं क्या प्रोफाइल एक्सेस है। तो उसमें आपने 2 काम करने होते हैं, एक आपने टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन उसने देने होते हैं, टेटनस एंटीसीरा या इम्यूनोग्लोबुलिन है, 1500 यूनिट्स देने हैं, ठीक है। वो आपने एक साइड, एक बाजू पे देने हैं, और दूसरी बाजू पे आपने उसकी टेटनस की वैक्सीन देनी है TT1, ठीक है। वो TT1 जो है आपने उसको एक दफा दे दी अभी, एक आप देंगे 6 से 12 वीक्स पे, एक देंगे उसके 6 से 12 हफ्ते के बाद, और आखिरी 10 साल, ये भी ये बुक में लिखी हुई है बात, ठीक है। तो टेटनस का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें आती होती हैं, एक आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन भी आती है, दूसरी साइड पे आपने वैक्सीन भी साथ देनी है, और इम्यूनोग्लोबुलिन एक ही दफा देनी है, लेकिन वैक्सीन को आपने आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। टेटनस की तो ये बात होगी। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो आता है वो है कि वाई पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो फेल इन पाकिस्तान, तो इसके बारे में बुक में पूरा लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ लिटरेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ मिसकंसेप्शन है पोलियो के बारे में, मतलब ये लिखा हुआ है बुक में, कोई हर बुक में आपको एक्सेल वही बता रहे हैं, एक्सेल और के पार्क 2 मेजर है, दोनों में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास हेपेटाइटिस बी का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, दो तरह से क्वेश्चन आता होता है, एक तो ये कि किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी डॉक्टर को कहते होते हैं कि डॉक्टर को नीडल स्टिक इंजरी होगी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ब्लड से, या फिर सर्जरी के दौरान उसे इंजरी होगी, तो अब उसे क्या करना है। तो 2 बातें इसमें भी आती हैं, या फिर वो कहते हैं कि हमारे पास एक इन्फेंट बच्चा बॉर्न हुआ है एक मदर को जिसने कभी हेपेटाइटिस बी, जो मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी, ठीक है, तो हमने क्या करना है। तो दोनों में एक ही बात आती है कि दोनों में हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो आपने देनी होती है 0.05 से 0 से लेकर 0.07 ml पर kg, ठीक है, पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपने देनी होती है, और एक आप देंगे उसी टाइम पे, मतलब 0 डेज पे, और एक आप देंगे 1 महीने बाद यानी 30 डेज पे, ठीक है। एक ये बात आपने लिखनी है, फिर आपने हेपेटाइटिस बी, ये तो आपने दे दी इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है आपने वो भी देनी है। अब ये वैक्सीन दोनों बंदों को, चाहे डॉक्टर को इंजरी हुई है जिसको कभी वैक्सीनेशन नहीं मिली हुई, और चाहे बच्चे को हुई है, ठीक है, उसको भी आपने वैक्सीन देनी है, दोनों केसेस में आपने वैक्सीन देनी है, और वैक्सीन का शेड्यूल होता है आपका 0, 1 and 6 months, यानी एक आपने उसी टाइम देनी है, एक 1 महीने बाद देनी है, और एक 6 उससे मतलब 6 months पे देनी है 5 महीने बाद।
तो 0, 1 and 6 months देनी होती है, 0.5 ml देनी है, IM देनी है। तो ये होता है अगर अब वो अगर कहते हैं कि डॉक्टर एक था जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है और उसने वैक्सीनेशन करवाई भी थी लेकिन वैक्सीनेशन को काफी अर्सा गुजर गया, तो आपने हाल ही उसे इम्यूनोग्लोबुलिन देने, फिर मजीद वैक्सीनेशन देने की जरूरत नहीं, या फिर वैक्सीनेशन के साथ सिर्फ बूस्टर डोज देनी है। लेकिन ना ज्यादातर सिनेरियो ऐसा ही आता होता है कि डॉक्टर की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी और बच्चा जो है पैदा हुआ माँ का और माँ की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, तो आपने ये दो बातें लिखनी होती है और बूस्टर डोज इसके बाद वैक्सीन की 5 साल बाद लगवाते होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि हज की जो वैक्सीनेशन है कौन, मतलब हज पे जाने वाले लोगों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन लाजमी करानी है। तो एक मेनिंगोकोकल होती है यानी मेनिनजाइटिस के अगेंस्ट, और एक है आपकी जो इन्फ्लुएंजा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, और तीसरी पोलियो की। ठीक है, तो तीन आपने याद रखनी होती है कि एक मेनिनजाइटिस है, एक हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा फ्लू है और एक पोलियो, ये लाजमी करानी होती है, ये आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब इतनी सी बातें कम से कम आप याद रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस, अभी तक किसी कोई मसला हुआ है कि नास्क मी। थैंक यू।